गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हो रहे हैं सुबह के 11:30 और आज मैं 2-3 दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ। मंडे को गया था ब्लॉग और घर में टाइम ही नहीं मिला, कहीं बाहर जाने को नहीं मिला और फिर देर से उठना वगैरह हो जाता है तो ब्लॉग भी नहीं बना पाई। लेकिन आज मैं जा रही थी मंदिर, यहीं हमारे इधर ही एक मंदिर है, वो सुरेश्वरी देवी का मंदिर है। इधर तो इस तरफ ही है, आगे हम स्कूटी से जाएंगे, लोग पापा भी जाएंगे क्योंकि ध्रुव को ले जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं उसे ले जा नहीं रही थी, लेकिन वो मानेगा नहीं बिल्कुल भी, उसे मंदिर 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 जाना है। और बहन जाएगी मेरे साथ और बहन की एक फ्रेंड है वो भी जाएंगी, तो वो उधर से ही आएंगी अपने घर से। और हम लोग निकल रहे थे और अभी उधर 11:15, तो सीधे स्कूटी से जाएंगे। मैं यहाँ रहते हुए भी पहली बार जा रही हूँ वहाँ, बहन और तो जाते ही रहते थे, मम्मी भी गई हैं, सब गए हैं, लेकिन मैं कभी नहीं गई हूँ, तो मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं जा रही हूँ और इतने दिन से मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया, तो आप लोगों को मैं दर्शन भी करा दूँ, नवरात्रि चल रहे हैं तो मैं जाऊँगी तो फिर आप लोगों को भी दर्शन कराऊँगी। बस निकल रहे हैं और ध्रुव भी आ गया है। हाँ हेलो कर दो, हेलो बोलो, हेलो बोलो। हम कहाँ जा रहे हैं? मंदिर। मंदिर जा रहे हैं ना? हाँ, तो वहाँ पर हम वीडियो बनाएंगे ना। हाँ, मैं और झूला भी झूलूंगा। झूला नहीं है वहाँ पर, चलिए हम चलते हैं रास्ते के, मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है चलिए। तो लोग हम लोग रेडी हो रहे हैं जाने के लिए और बस आप रास्ते का व्यू देखिए। और बीच में यहाँ देखिए, ये है कॉलेज, ये जो जैसे साइंस सेंटर वाले बच्चे होते हैं ना यहाँ पर पढ़ते हैं, जिनमें डिग्री कॉलेज है ये। और ये हैं क्वार्टर्स बने हुए हैं जो BHEL है, जिसके थ्रू ये सब क्वार्टर्स बने हैं, यहाँ पर BHEL के लोग रहते हैं। और ये देखिए, पहले बहुत चहल पहल हुआ करती थी, अब काफ़ी सारे लोगों ने अपने अपने घर बना लिए हैं तो अभी इतने लोग नहीं रहते, नहीं तो पहले तो हम लोग खुद ही यहाँ पर पैदल निकला करते थे। स्कूल वगैरह हमारे यहीं पर होते थे BHEL के अंदर ही, क्योंकि हम लोग सब BHEL के स्कूल में ही पढ़े हुए हैं, क्योंकि पापा लोग BHEL में ही जॉब करते थे, अब तो रिटायर हो गए हैं। तो अब याद आ गया सब कुछ, सब चहल पहल यहाँ पर, मतलब हर गली से हम लोग, क्योंकि उस टाइम जान पहचान थी, अब कितना टाइम हो गया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है झाड़ियाँ वगैरह सब उग गई हैं यहाँ पर, कहीं कहीं है, कहीं कहीं अभी भी लोग रह रहे हैं, लेकिन अब वो बात नहीं रह गई है जैसे जो पहले थी बात। चलिए आप इंजॉय कीजिए, बीच में बोलती रहूँगी बताती रहूँगी। तो अब हम आ गए हैं ये BHEL के, जैसे मैंने बताया ये BHEL का ही पूरा एरिया है, कंपनी है BHEL की, वैसे तो सबको पता होगा। आप होल्डिंग देख रहे हैं यहाँ पर, ये BHEL के बने हुए BHEL के क्वार्टर हैं, अलग अलग सेक्टर्स में बटे रहते हैं, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 ऐसे होते हैं सब। ये सेक्टर 5 का एरिया है, इधर ही हमारा स्कूल भी हुआ करता है, अब था मतलब है अभी भी। अब ये हम BHEL में आ गए, मेन BHEL में जो कंपनी है जहाँ पापा लोग जॉब करते थे पहले। अब ये देखिए सामने से फ्रंट, बहुत बड़ी कंपनी है, सबको पता ही होगा, मैं इसकी फुल फॉर्म बता दूँ, BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो ये देखिए ये है एरिया, तो इसी के अंडर में हमारे शिवालय के हम रहते हैं, शिवालय नगर, इन्हीं के थ्रू हमें वो प्लॉट वगैरह मिला था पहले। और सब पूरा एरिया, हमारे स्कूल्स वगैरह कुछ भी, सब चीज़ें ये सब BHEL के एरिया में आती हैं। और जब हम हरिद्वार आते हैं तो बोलते हैं BHEL की तरफ से, हरिद्वार में सब एरिया बहुत सारे, तो हम बोलते हैं BHEL जाना है हम लोगों को, तब
तो ये हम रास्ते में आ गए हैं सुरेश्वरी माता के मंदिर के, और यहाँ पर आप देख रहे हैं रास्ते प्रसाद वाले भी बैठे हुए हैं। अभी हम जाएंगे और अभी हमें बीच में टिकट लेना पड़ेगा। ये आप ये देखिए बैठे हुए हैं, ये सामने आपको दिख रहा है येलो रंग का, यहाँ पर हम रुकेंगे, यहाँ पर हम टिकट लेंगे और तब आगे की तरफ हम सुरेश्वरी माता के मंदिर के दर्शन के लिए निकलेंगे। पूरा आगे तक हम स्कूटी तक जाएंगे, स्कूटी जाती है। ये देखिए ये हमने यहाँ पर टिकट ले लिया है और हम निकल गए हैं माता के दर्शन के लिए। और आप रास्ते का व्यू एंजॉय कीजिए, बीच बीच में मैं आपको बताती रहूँगी। तरफ माता सुरेश्वरी देवी माता के मंदिर में यहाँ एंट्री कर रहे हैं हम लोग। देखिए सिद्धपीठ श्री सुरेश्वरी देवी मंदिर, यहाँ पर सबने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं। अब यहाँ से हम पैदल जाएंगे ऊपर, सीधे आपको दिख रही है, तो आप भी माता रानी के दर्शन करिए। ये देखिए जा रही है बहन, जा रही है, मैं वीडियो बना रही हूँ। मुझे लगा वीडियो बनाने देंगे कि नहीं देंगे, पापा मना कर रहे थे, लेकिन देखा तो आगे अंदर बना रहे थे काफ़ी लोग। जैसे थोड़ा हल्की हल्की भीड़ हट जाए ना, तब अभी तो तब भी काफ़ी लोग थे बोल सकते हैं, लेकिन तब भी नवरात्रि नवरात्रि में बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, कि यहाँ पे भंडारा लगता है, इसलिए अभी मैं हूँ आपको खड़ी हूँ। और यहाँ पर आपको थोड़े से हल्के से दर्शन होंगे माता रानी के, क्योंकि भीड़ है तो एकदम सामने से लेना भी अच्छा नहीं लगता वीडियो बनाना, तो ये थोड़े से पीछे से मैंने लिया। ये है माता रानी, जय माता रानी। तो यहाँ पर भी छोटे छोटे और मंदिर बने हुए हैं माता रानी के अलावा। ये शिव जी का मंदिर है, और मैं भी पहली बार आई हूँ तो मैं भी जा रही हूँ बहन से पूछूँगी। अब यहाँ से नीचे उतर के हम आगे की तरफ जाएंगे, बहन से मैं पूछ रही हूँ कहाँ जा रहे हैं। और ये है अब काली माता का मंदिर। ये जो मंदिर हम सुरेश्वरी मंदिर था उसके ऊपर ही बना हुआ है, मतलब ऊपर थोड़ा चलना पड़ता है ऊपर की तरफ। और ये ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा था, हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा व्यू था ऊपर से। देखिए नीचे ये देखिए, ये है मंदिर, और ये वाला मंदिर सुरेश्वरी माता का है, और नीचे वो पार्किंग वगैरह का। देखिए ये ऊपर मंदिर है, फोटो भी खिंचाते रहते हैं लोग, मुझे लगा नहीं खींचने, लेकिन देखा तो बहुत लोग खींच रहे। अब बताओ हम कहाँ जा रहे हैं, अब हम नीचे उतर रहे हैं वापस, अब हम नीचे उतर रहे हैं, तुमको जान जा रही हूँ। अब हम नीचे जाकर जहाँ से चढ़े थे वहीं वापस जा रहे हैं। अच्छा हो गए ना सारे मंदिर, नीचे बस एक और है भैरव के, पापा बोल रहे थे भैरव का भी। एक्चुअली जो मंदिर है ना ये थोड़ा जंगल की तरफ बना हुआ है, जंगल का एरिया।
थोड़ा सा ऐसे अलग से थोड़ा सा हटके है, थोड़ा जंगल के एरिया में है। तो वहाँ पर पहले तो रोड नहीं थी, अब तो पूरी रोड बन गई है। तो मैंने कहा मैं बता दूँ आपको। और आज यहाँ पर मैं गलती से मास्क लाना ही भूल गई, तो मैं चुन्नी को मास्क बना दिया था। जहाँ माता का मंदिर होगा वहाँ भैरव भगवान का भी होगा, तो ये भैरव जी के मंदिर है, आप लोग भी दर्शन कीजिए। मम्मी को लेकर आ रहा हूँ। बस यहाँ पर माता के दर्शन हो गए हैं, अब हम नीचे तरफ जाएंगे। यहाँ मैं धूम मुझे लेने आया, मैं रह गई थी वहाँ पर। ये पूरे दर्शन दीजिए माता के, जय श्री श्री माता। ये बाहर से है और बस के बाद हम लोग नीचे की तरफ उतरेंगे। ये उतर रहे हम लोग। मंदिर से हम आ गए हैं और अब जा रहे हैं घर। और फर्स्ट टाइम गई हूँ यहाँ। और ये हम पहुंच गए हैं वापस घर, मंदिर से होकर आ गए हम लोग। ये सामने घर है मेरा। तो हम आ गए थे मंदिर से और ये अब शाम का टाइम हो गया है, चांद भी नज़र आ रहा है। तो हम लोग आ गए थे मंदिर से, फिर उसके बाद थक गए थे तो वीडियो नहीं बनाया मैंने। तो अभी हम शाम 5:30 ऐसे ही हो रहे हैं। तो मैं सोच रही थी क्योंकि परसों कन्या लड़की को जिमाते हैं 9 दिन व्रत लेने के बाद, तो कुछ थोड़ा सा सामान बच्चों को देखने जा रहे थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा और बाहर का और हो जाएगा थोड़ा शूट, तो घर में रह के फिर बच्चों से दिक्कत हो जाती है, वो करने भी नहीं देते। और तो फिर बाहर का मैं जाऊँगी आप इधर का थोड़ा छत से देखिए कैसा लगता है व्यू। ये सामने दिख रहा है ये मंदिर है हमारे यहाँ का, जो मैंने आपको दिखाया था पहले, शिव मंदिर जो बोला था शिवाजी नगर के, वो सामने है वो मंदिर है। ये हमारी गली है, अच्छा।
चलेंगे नीचे और देखते हैं मार्केट में। मार्केट तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है इस टाइम तो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सजा रखा है नवरात्रों में। मैं नीचे जाती हूँ, बहन बुला रही है, चलो हम जा रहे हैं बाहर बच्चों के लिए कुछ देखने, फिर क्योंकि कल फ्राइडे हो जाएगा, टाइम भी नहीं मिलेगा, तो देखते हैं कुछ मिलेगा मार्केट में। और दिन में कुछ बनाया ही नहीं वीडियो, जैसे मैंने बताया अंदर घर का क्या ज़्यादा बनाना, इसलिए बाहर जाते हैं तो वीडियो बना देते हैं और अंधेरा भी होने लगा है। चलिए आगे दिखाती हूँ मैं। और यहाँ पे हम सामान देख रहे हैं, फर्स्ट स्टॉप में आ गए हैं हम लोग। और कन्याओं के लिए तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, कंफ्यूज हो रहे थे क्या लें क्या नहीं लें, तो देख रहे हैं, आप लोग भी देखिए। और रास्ते में रात के टाइम में ना, और इस टाइम पे नवरात्रि फेस्टिवल शुरू हो गए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है रात को देखना। आप लोग भी देखिए, हम लोग भी देख ही रहे हैं, आप लोग भी देखिए। तो वहाँ से हम आ गए थे, आधा घंटा हम रहे होंगे, आधा घंटा 15-20 मिनट जल्दी जल्दी गए, जितना आपको दिखाया मैंने मार्केट में उतरे थे। एक तो दो तीन दुकान गए थे हम, तो बस वहाँ से हम आ गए थे। तो बस आज व्रत थे, जैसे मैंने बताया 9 दिन के व्रत हैं दोनों बहनों के, तो फिर व्रत खोल पूजा करी, फिर जो थोड़ा बहुत खाना रहता बनाने के लिए वो बनाया, खाना तैयार ही था लगभग, तो बस व्रत खोला। और फिर अभी टाइम हो भी चुका है 9:15 करीब हो चुके हैं, तो मैंने कहा वीडियो बड़ा लंबा जा रखा है सुबह से, फिर मुझे एडिट भी करना है, तो मैं उसको मतलब पूरा कर दूँ, वीडियो को एंडिंग कर दूँ उसकी। और मैं यहाँ पर आई हूँ, ध्रुव मुझे तंग करने के लिए वहाँ पर हल्ला कर रहा है ना, पढ़ाई लिखाई उसमें कुछ नहीं कर रहा है। और यहाँ देखो ये एक्वेरियम के पीछे, और मैंने सोचा यहाँ पर मैं आती हूँ यहाँ हल्ला नहीं करेगा, और लेकिन बात कोई मानता ही नहीं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है बड्डाली, मतलब आप लोग ये मैं दिखा देती हूँ दोबारा से, ये देखिए बड्डाली जो होता है वो गढ़वाली में बोला जाता है बड्डाली, इसमें फ्रूट्स वगैरह होते हैं, फ्रूट्स वगैरह सब बांधे हुए होते हैं, मिठाइयाँ भी होती हैं, मिठाइयाँ आप इसमें बंधवा लीजिए तो अलग से लेके जा रहे हैं, लेकिन ये पूरे फ्रूट्स वगैरह बंधे हुए हैं अलग अलग टाइप के फ्रूट्स। तो बड्डाली गढ़वाली में कहा जाता है, ये एक्चुअली जब शादी वगैरह अच्छे काम होते हैं ना उसमें दी जाती है, जैसे इंगेजमेंट होगी या शादी वगैरह में ना दी जाती है, जैसे लड़की वाले देते हैं लड़के वालों को, लड़के वाले देते हैं लड़की वालों को, तो ये लेके जाती है, टोकरी वगैरह में बनती है, देख लीजिए। तो ये वैसे भी मैंने बताया, तो ये इंगेजमेंट या शादी वगैरह में एक दूसरे को दी जाती है, लड़के वाले लड़कों वालों को देते हैं और लड़की वाले लड़के, जैसे मैंने बताया आपको। तो ये भी हमारे घर आई है, हम लोगों ने बनवाई है, तो इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी,
ये किसके लिए आई है, हमने क्यों बनवाई है, और ये ध्रुव मुझे तंग कर रहा है, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, और जो आज हमने बच्चों के लिए लिया भी है, थोड़ा बहुत सामान लिया है देने के लिए, कन्या वगैरह को देने के लिए थोड़ा बहुत सामान है, वो मैं कल के वीडियो में डाल दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी आज जब मंदिर गए हैं उसका वीडियो बहुत लंबा बन चुका था, और काफ़ी ज़्यादा लंबा बन चुका था, जो कि मुझे अभी एडिट वगैरह भी करना है, तो देर हो जाएगी, और फिर सोएगा भी, आज दिन भर इसने कुछ नहीं किया, बस शैतानी करी है। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करूँगी, और वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ध्रुव बोलो लाइक करिए, लाइक बोलो, लाइक करो, लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करो मम्मा के चैनल, सब्सक्राइब करो मम्मा के चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, चलिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।